दोस्तों, हलवा हलवा सुनते ही कितना मुंह में पानी आ जाता है ना। हलवा किसी भी चीज़ का ना हो, या सूजी का हो, या गाजर का, आटे का, कोई भी हलवा हो, बहुत लाजवाब बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाते हुए। तो चलिए, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चा पपीता का हलवा। पपीता आप पका खाएं या कच्चा खाएं, किसी भी रूप में खाएं, ये हमारे सेहत को बहुत ही फायदा करता है। तो चलिए पपीता का हलवा बनाते हैं। तो देखिए, हमने पपीता को छील ली हूँ। अब इसका जो डंठल का एरिया है, इसको हम चाकू से काट लेते हैं। अब हम इसे बीच में काटेंगे और इसका जो सीड है ना, इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने चाकू की सहायता से इसका सीड निकाल ली हूँ। तो हम एक पतीले में पानी लेकर इसको अच्छे से धो लेते हैं। देखिए, हमारा ये पपीता को मैं धो ली हूँ। अब इसको एक कुकर में डालकर 1 कप पानी डाल दी हूँ। इसको 2 सीटी आने तक बॉयल करते हैं। अब इसको हम आँच पर बैठा देते हैं। हमारा 2 सीटी आ गया है। अब इसका ढक्कन निकाल कर पपाया को निकाल लेते हैं। तो इसको हम गर्म ही निकालेंगे। चम्मच की सहायता से मसल लीजिए, या अगर चम्मच से नहीं होता है तो अपने हाथ से भी मसल सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने हाथ से भी मसल ली उसको। तो देखिए, हमारा ये पूरा मसाले हैं, ये हमारा हलवा के लिए अब तैयार है। तो चलिए, अब हलवा इसको बनाते हैं। तो एक मैं कढ़ाई ली हूँ। अब कढ़ाई में 1 चम्मच में घी डाल ली हूँ। कोई कोई होता है कि ज़्यादा घी पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार घी डाल ले सकते हैं। अब हम इसमें हलवा डालते हैं और अच्छे से इसको भूनेंगे। तो देखिए, हमारा कितना बढ़िया से ये भून रहा है। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। पपीता दोस्तों ऐसा चीज़ है, इसको कच्चा भी खाएं, पक्का भी खाएं, कैसे किसी भी रूप में खाएं। कच्चा है तो उसको नमक के साथ खाएं, पक्का है तो उसमें मिठास है ही, तो बहुत हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो आज हलवा बनाते हैं इसका, पपाया का। पक्का तो सभी लोग खाते ही खरीद कर, लेकिन इसको मैं खरीदी और सोची कि आज इसका हलवा ही बनाती हूँ। देख रहे हैं, हमारा ये भून रहा है। आज मीडियम आँच पर मैं भून रही हूँ। देखिए, हमारा हलवा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें दूध ऐड करते हैं। फिर देखिए, मैं 1/2 कप दूध ली हूँ। इसको पकाते हुए, भूनते हुए, अब आँच को हाई फ्लेम पर कर देंगे। अब इसी के साथ में हम चीनी डालते हैं। तो मैं 1/2 कटोरी चीनी ली हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, कोई मीठा ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो आप अपने हिसाब से करके। तो देखिए, हमारा हाई फ्लेम पर ये चल रहा है कि दूध हमारा अच्छे से ये सूख जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम दूध इसमें ना डालें, तो इसके जगह पर आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। वो भी अच्छा, उस भी अच्छा फ्लेवर देता है, उससे भी बहुत बढ़िया होता है। तो अभी तो मैं ये दूध डालकर ही बना रही हूँ, ताकि दूध सबके घर में अवेलेबल रहता है बराबर। मिल्क पाउडर तो किसी घर में रहता है, किसी घर में नहीं रहता है। ये देखिए, हमारा कितना अच्छे से पक रहा है। पक तो गया ही था, लेकिन मैं इसको थोड़ा ज़्यादा दूध का फ्लेवर देना चाहती हूँ। तेज आंच पर दूध को जलाते हुए 10 मिनट हो गया है। अब देखिए, देखिए हमारा हलवा एकदम बन गया। अब हम इसमें अपना ड्राई फ्रूट जो आपको है, किशमिश, काजू, ये बादाम, पिस्ता, आपके पास जो अवेलेबल, जरूरी नहीं है कि हम जो डाल रहे हैं वही आप भी डालें। आपके पास जो अवेलेबल है दोस्तों, वो आप डाल सकते हैं। देखिए, ये हमारा हलवा फास्ट में भी खा सकते हैं। कभी भी आपका उपवास है, आप इसे बनाइए, ज़रूर बनाइए, खाइए। तो देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये शुद्ध था। इसमें कोई नमक, कोई मिलावट चीज़ कुछ नहीं, केमिकल कुछ नहीं। कितना लोग है कि इस हलवा में दोस्तों कलर डालते हैं, ग्रीन कलर के, जो कि हमारा पपाया जैसे लगे, लेकिन मैं इसमें कलर का यूज नहीं की हूँ। ये बिल्कुल हमारा नेचुरल कलर है। और ये हमारा देखिए इलायची, तो मैं इलायची को कूट ली हूँ। अगर इच्छा है तो आप डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई कोई इलायची खाना पसंद करता है, कोई कोई नहीं पसंद करता, आप अपनी इच्छा है तो डालिए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, हम आप गैस को बंद करते हैं। हमारा हलवा बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गया है। किसी बर्तन में इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी रेसिपी कैसी लगती है आपको? अगर अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।